बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नमाज। नमाज जो हर मुसलमान पर फ़र्ज है, पांच वक्त की नमाज। नमाज हर हाल में फ़र्ज है। फजर की नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज कसर सफ़र वाली नमाज पढ़ें, कहाँ भी जाएं तो फ़र्ज नमाज किसी भी सूरत में पढ़ें। कज़ा नहीं करें, आप नमाज पढ़ते हैं अपने लिए पढ़ते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है आपको अपनी आखरत संवारने की। अल्लाह पाक को नहीं है ज़रूरत आपकी इबादत और नमाजों की। नमाज पढ़ें, इबादत करें, इसकी ज़रूरत आपको है। अल्लाह पाक को नहीं है आपकी इबादतों की ज़रूरत, इनकी ज़रूरत आपको है। आप एहसान नहीं करते हैं बल्कि अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। अल्लाह पाक ने हम पर नमाज फ़र्ज की है, हर हालत में, हर सूरत में, चाहे कितना भी बीमार हो, ला इलाज मरीज हो, पर नमाज नहीं छोड़नी। चाहे इंसान चारपाई पर पड़ा हो तब भी इशारों से नमाज पढ़नी है, भले पानी में डूब रहा हो फिर भी नमाज फ़र्ज है। उंगली के इशारे से नमाज पढ़ें। जहाँ भी है, आपने आज़ान की आवाज़ सुनी है तो आप वहाँ कोई साफ़ ज़मीन देखकर और अपना फ़र्ज़ अदा करें, नमाज फ़ौरन अदा करें टाइम पर। दो आवाज़ चांद पर जाती है, एक आज़ान की आवाज़ और दूसरा मातमे हुसैन अलैहिस्सलाम। आखिर में आप सब से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों मोमिनों को जो जहां परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, जिस्मानी जहनी माली किस किस्म की भी परेशानी अजियत आजमाइश में मुब्तला हैं, उनके लिए अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे, उनकी इमदाद गैबी मदद फरमाए। फरियाद कोई रद ना होगी मज़लूम की, फरियाद कोई रद ना होगी मज़लूम की। आवाज़ सातवें आसमान सातवें अर्श तक जाएगी, मज़लूम जाएगी मज़लूम की, ज़ालिमों की पकड़ होगी, हक आएगा और बातिल मिट जाएगा, क्योंकि बातिल को मिटना ही था, क्योंकि बातिल को मिटना ही था। وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهَقًا بَاطِلُ حق آیا اور باطل مٹ گیا کیونکہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل ضرور کریں۔ جو آپ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں ان ساری باتوں پر پہلے خود عمل کرنا چاہیے۔ لائک شیئر سبسکرائب कमेंट सपोर्ट कीप सपोर्ट स्टे कनेक्ट कीप स्माइल ऑलवेज प्रे मी एंड माय फैमिली योर प्रेयर शुक्रन सैयद सरवर हसन फन।